हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, एक टॉपिक पे बातें करते हैं, ठीक, जिसमें लड़कों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि पढ़ाते वक्त देखते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, क्या ASTC के रूट यहाँ देख रहे हैं। फर्स्ट आपने ऐसे बनाया है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक, यहाँ मैंने ए लिख रखा है, यहाँ यस लिख रखा है, यहाँ पे टी लिख रखा है, यहाँ पे सी लिख रखा है। इसका मतलब होता है कि आल एक मतलब आल पॉजिटिव, यस मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, टी मतलब टैन और टर्न का जो रिवर्स है मैंने बताया था आपका काट होता है वो पॉजिटिव, सी का मतलब कास और कास का जो रिवर्स है वो पॉजिटिव। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा बाद में बातें करते हैं, पहले हम बात करते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कन्वेंशन फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन क्या है ये आओ समझते हैं। देखो दोस्त, आप एक चीज़ जानते होंगे कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। पहली बात याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखना है? कास माइनस थीटा बराबर क्या है आपको? कास थीटा। क्या होता है बाबू? कास थीटा। ठीक, ऐसे ही आपको याद कर रखना है टैन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस टेन थीटा। क्या? माइनस टेन थीटा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो आप जानते होंगे कि साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। अगर हम कहें कोसेक माइनस थीटा बराबर तो आप कहोगे माइनस कोसेक थीटा। ऐसे कहूँ कि कास का व्युत्क्रम होता सेक, सेक माइनस थीटा बराबर क्या होता तो आप कहोगे माइनस नहीं बल्कि प्लस सेक थीटा, यानी ये भी सेक थीटा प्लस में होता है। ठीक, ऐसे मैं कहूँ कि इस टैन का व्युत्क्रम क्या होता है तो आप कहोगे सर काट थीटा होता है, यानी माइनस काट थीटा। अगर मान पूछे कोई तो माइनस काट थीटा हो जाएगा। ठीक, ये बात आप समझ में आ रही है, इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन। ये बात याद रखनी चाहिए क्योंकि जब भी सवाल लगाते हैं हमें इसका यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। इसमें कुछ नोट करने वाली चीज़ है। नोट क्या रखने वाली चीज़ है? आपको याद रखना चाहिए कि कास, खाली इतना याद रखना चाहिए कास माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कास थीटा। और इसका व्युत्क्रम जो होता है सेक माइनस थीटा बराबर ये भी क्या होता है? सेक थीटा, यानी पॉजिटिव होते हैं दोनों। और सब देखिए आपका साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन है, इसका व्युत्क्रम भी वही है। टैन माइनस है माइनस टैन, इसका व्युत्क्रम भी वही है। तो इस तरह से हमें अगर ये चीज़ें याद रहती हैं, ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन फंक्शन होता है इनकी जो बातें होती हैं उसमें गलती नहीं होती। जैसे हम आपसे बात करें, अगर लिखा हो साइन -45 डिग्री क्या होगा? -sin 45 डिग्री का मान लिखा जाएगा। लेकिन अगर कास -45 डिग्री हो तो क्या जाएगा? cos 45 डिग्री हो जाएगा। बात समझे? सेक -45 डिग्री होगा तो सेक 45 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही क्या है कि साइन -60 क्या हो जाएगा? -sin 60 हो जाएगा, या टेन -60 -tan 60 निकाला जाएगा, फिर मान आप रख देंगे आराम से। लेकिन अगर सेक -60 हो क्या हो जाएगा? सेक -60 बोला तो क्या हो जाएगा? सेक प्लस में रहेगा और सेक 60 बोला जाएगा, उसकी वैल्यू निकाल दीजिए। कास -60 है क्या हो जाएगा? कास 60 डिग्री की वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक, और 60 45 60 90 ये सब का पहले वीडियो मैंने आपको बातें बताया है किस तरह से उसका मान निकाला जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या था साइन फंक्शन के बारे में कुछ बातें थी। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बातें करने जा रहे हैं, इसके बाद ASTC के रूल। इसको क्या बोला जाता है? ASTC का रूल, ASTC का रूल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जिस बच्चों को ये बात पता नहीं रहती है बाबू वो बहुत परेशान रहता है। क्या इसका मतलब? इसका मतलब है क्या, ध्यान से समझिएगा। अगर एंगल की बात करते हो तो आप देखो ये जो लाइन में फिर से लिखने कर रहा हूँ ब्लैक से कर रहा हूँ, यहाँ से हम मापेंगे एंगल को। तो आप अगर यहाँ से मापो तो ये पहली बात है क्या क्वाड्रेंट है, मतलब चतुर्थांश। क्यों इसे चतुर्थांश कहा जाता है पहले ये देखो। आप जानते हो पूरा यहाँ से ये ऐसे 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 आपका 360 डिग्री का एंगल बनेगा, कितना? 360। ठीक,
360 कहो या इसी को आप 2 पाई कह सकते हो। क्या 2 पाई, क्यों 2 पाई कह सकते हो? आप जानते हो बाबू 360 के 2 × 180 लिख सकते हो, डिग्री लिख सकते हो, लिख सकते हो। और हम जानते हैं क्या कि 180 डिग्री को हम कहते हैं क्या, पाई। क्या कहते हैं? पाई। रेडियन में जब उसको बदलते हैं तो क्या हो जाता है? पाई हो जाता है। अब मन में आ गया कि सर ये क्या बोले रेडियन वाली बात, समझिएगा बात। डिग्री को अगर हमें बदलना हो रेडियन में, रेडियन में, तो हम क्या करते हैं बाबू? पाई बाई 180 से गुणा करते हैं। जैसे 60 डिग्री है तो हमें बदलना रेडियन में, तो गुणा करेंगे पाई बाई 180 से। तो देखो ये इससे कट जाएगा, ये यहाँ से कटेगा, ये 3 हो जाएगा, तो बोला जाता है पाई बाई 3। ऐसे 180 डिग्री है, इसको रेडियन बदलना, तो पाई बाई 180 बोला जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? पाई ही होगा, बोलो। ऐसे 90 डिग्री है तो 90 × π/180 करोगे क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। 45 डिग्री है तो 45 डिग्री गुणे π/180 कितना हो जाएगा बाबू का? 5/4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई हो मेरी? चलिए, ये हमने डिग्री से रेडियन बदलने का तरीका बताया। तो आपका 1 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई होता है। इसीलिए आपका 360 को अगर बदलोगे तो 2 × का आ जाएगा पाई, इसका मतलब होगा पाई, इसलिए पाई। आज से याद रखिएगा 360 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं? 2 पाई कहते हैं। और 1/180 डिग्री को हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया कि 180 का मतलब होता है पाई बाई करते हैं, पाई हो जाता है। ऐसा करते हो 360 हम बदलते तो 360 लिखते गुणे क्या करते हैं? पाई बाई 180 करते हैं ना डिग्री से हमें रेडियन बदलने के लिए। तो ये देखो दुगुना हो जाता है, यानी आपका 2 पाई आता। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ और सीख ली, क्या डिग्री से रेडियन में कैसे बदला जाता है। ठीक, दूसरी चीज़ और सीख पा आपसे, अगर रेडियन में दिया हो तो डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो ये बात समझ में, इसे मिटाने जा रहे हैं। चलो मिटा दिया। अब हम क्या सीखेंगे कि रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते हैं। थोड़ा डिग्री में कैसे बदलते हैं, क्या किया था आप इसके लिए? रेडियन में गुणा कर दिया था क्या 180/π से, यानी उसके उल्टा से। ठीक है, जैसे आपका क्या हो, मान लो क्या बोलते हैं कि π/2 रेडियन में दिया हो। अब इसको बदलना क्या हमें डिग्री में, तो गुणा कर दो क्या 180/π से। तो बताओ आपका ये पाई पाई से कट जाएगा, इसका आप करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे मान लो आपका 2π दिया है, तो गुणा कितना करना है 180/π से। ये इससे कट गया पाई पाई, क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए π/4 दिया गया है रेडियन में, इसमें 180 से कर लो, काटेंगे आप क्या आ जाएगा आपका बताओ? पाई है ना, ये काट दोगे इससे क्या होगा? चलो 4 × 16 और 20 होगा बचेगा, 4 × 5 = 20, 45 डिग्री। ये बातें समझ में आई कि रेडियन को किस तरह से हम क्या बोलते हैं? डिग्री में बदलते हैं। ये भी आपको बात मैंने सिखा दिया। ठीक, अब हम बात करेंगे ASTM के रूल्स। तो आप देखो ध्यान से, ये अगर यहाँ से आप यहाँ से इसको मैं मान लेता हूँ O पॉइंट, अब O से X जो है क्या 0 डिग्री एंगल बना रही है, बना रही है। अभी मैंने एक वर्ड बोला कि इसको क्वाड्रेंट क्यों कहते हैं, चतुर्थांश क्यों कहते हैं। अब देखिए बेस में अगर देखोगे बात आपका, तो क्या होगा 360 होगा, टोटल एंगल होगा 360। अब प्रत्येक क्वाड्रेंट चाहे इस क्वाड्रेंट को लो, चाहे इस क्वाड्रेंट को लो, चाहे इसको लो, चाहे इसको लो, प्रत्येक कितना 90 डिग्री है। बताओ काटोगे तो कितना आएगा? 1/4 आएगा। तो 1/4 को ही हम चतुर्थांश कहते हैं, यानी टोटल 4 भाग हैं, इसमें 1 भाग की बात अगर आप करते हो तो क्या बोला जाएगा? क्वार्टर बोला जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, एक चतुर्थांश समझ में आया। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इसके ASTM के रूल से। पहले यहाँ पर थोड़ा एक बात समझते हैं, क्या बाबू? देखो ये 0 डिग्री होगा। अब ये यहाँ से अगर ऐसे ऐसे होके आप ऐसे जाए तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा? कहोगे यस सर। तो अब अगर इस लाइन के इसमें ही कोई एंगल आएगा तो क्या बोला जाएगा? मान लो थीटा एंगल हो तो क्या बोला जाएगा? 90 अंश माइनस थीटा बोला जाएगा, नहीं बोलेगा? पहले इसकी बात बताओ, यानी 90 में से अगर कुछ भी एंगल घटाओगे पहले क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये बताओ,
यानी जीरो और 90 के बीच में क्या होगा, 90 इंच प्लस थीटा होगा कि नहीं होगा बताओ पहले। कहोगे हाँ सर होगा। यानी हम अगर बात करते हैं क्या, इसको मिटा दें ताकि आपको स्पष्ट हो, कि यहाँ से यहाँ तक की बात है, आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक, एक चीज़ और हो सकता है क्या, यहाँ से बाबू देखो ऐसे 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 है कि अगर आओगे थीटा आएगा, आप कहोगे सर 360 होगा, और 360 में कुछ भी अगर जोड़ दोगे, 360 में 0 डिग्री जोड़ दो या कुछ थीटा जोड़ दो, तो किस में चला जाएगा, फर्स्ट वाले में, तो क्या हो जाएगा आपका 360 प्लस थीटा भी हो सकते हो, बताओ हो सकते हो ना। और एक चीज़ समझो, अगर 360 में से कुछ भी घटा दोगे अगर, क्या हो जाएगा, इस चौथे में आ जाएगा, क्या बोल सकते हो, 360 माइनस थीटा भी तो बोल सकते हो, बोलो। ये दोनों बात समझ में, हमने कहा कि यहाँ से अगर आपका ये ऐसे ऐसे करोगे तो आपका 360 हो जाएगा, कुछ जोड़ोगे तो पहले में चला जाएगा, कुछ घटाओगे तो क्या हो जाएगा, चौथे में आ जाएगा। ये समझ में आ गया, चलो इस चीज़ को मिटा देते हैं, कैसे आया हुआ तो बस समझ में आ गया। अब समझिएगा, इसको भी मिटा देते हैं, ये बात हमने समझा दिया। अब अगर बताओ अभी यहाँ से आपका ये 90 हो गया और 90 में थोड़ा भी एंगल अगर जोड़ते हो तो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो इसको क्या बोल सकते हो, कहोगे सर 90 प्लस थीटा बोल सकते हो, कुछ भी एंगल जोड़ोगे सर सेकेंड वाले में चलेगा। ये बात समझ में आ रही है। फिर मैं अगर बात आपसे करूँ कि यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से ऐसे 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 अगर कहोगे सर 180 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। अब देखो ध्यान से, 180 में कुछ भी एंगल जोड़ोगे तो आपका थर्ड में आ जाएगा, तो एक बोल सकते हो क्या 180 प्लस थीटा बोल सकते हो कि नहीं पहले बताना। देखो समझना, तुम्हारी जिम्मेदारी, समझा हम रहे हैं, देख रहे हो, यहाँ से 180 बना, इसमें जीरो भी जोड़ोगे तभी इसमें आएगा प्लस करोगे तो, या थीटा 30 डिग्री जोड़ो 40 डिग्री जोड़ो, थर्ड में ही आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, दूसरी वर्ष में। अगर 180 में से कुछ घटाओगे तो बताओ सेकंड में आ जाएगा, कहोगे हाँ सर 180 माइनस थीटा, इसमें आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ, आएगा आएगा सर। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं पहले बताओ। मैंने क्या बताया, 180 में अगर कुछ भी जोड़ोगे तो आपका इसमें आ जाएगा, 180 में से कुछ घटाओगे तो फिर वो सेकंड में चला जाएगा, 0 डिग्री भी अगर जोड़ोगे 180 में थर्ड में बोला जाएगा, 0 घटाओगे तो भी आपका थर्ड है, 90 में से 0 डिग्री घटाओगे तब भी बोला जाएगा फर्स्ट में, 90 में अगर 0 डिग्री जोड़ोगे तब भी बोला जाएगा सेकंड में। बात समझ में आई, आप समझिए। अब मेरे दोस्त, अगर मान लीजिए यहाँ से ऐसे ऐसे 180 आ गया तो यहाँ तक अगर आ जाए तो देखो 90 90 180, फिर आपका क्या हो जाएगा 270 आ जाएगा, आएगा। अब 270 में कुछ भी अगर जोड़ दोगे चौथे में पहुँच जाओगे, नहीं पहुँच जाओगे, यहाँ क्या लिख सकते हो 270 प्लस थीटा भी आएगा चौथे में, लेकिन अगर 270 में से कुछ भी घटा दो बताओ इसमें आ जाएगा, यहाँ पर बोल सकते हो क्या 270 माइनस थीटा बोलो। ये समझ मारा, इस चीज़ को हम मिटा सकते हैं, कुछ जोड़ोगे 270 प्लस थीटा हो जाएगा, यानी 0 डिग्री भी जोड़ोगे 270 प्लस 0 होगा क्या हो जाएगा चौथे में चला जाएगा, 270 माइनस 0 होगा तब आपका तीसरे में। ये बात मैं यहाँ से मिटा सकता हूँ, बोलो ये बातें समझ में, कैसे मैंने ये सारी चीज़ें लिखी अभी तक। अब देखो यहाँ क्या देख लो, 90 अंश माइनस थीटा आया फर्स्ट में आएगा, 90 अंश प्लस थीटा की बात करेगा कोई सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 180 माइनस थीटा कोई कहे तो सेकंड में आएगा, 180 प्लस थीटा की बात करता है कोई तो क्या आ जाएगा थर्ड आएगा, 270 अंश माइनस थीटा की बात कोई करता है तो थर्ड एंगल में आ जाएगा, और आपका अगर 270 प्लस की बात करता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब यहाँ से 360 होता, 360 कुछ भी घटाओगे तो फोर्थ में आ जाएगा, कुछ जोड़ दोगे तो आपका फर्स्ट में हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलिए शायद क्लियर। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं। देखो एक मतलब होता है वो आर पॉजिटिव, ध्यान सुनिएगा सीरियस सारी बात मैं कहूँगा, एक मतलब होता है आर पॉजिटिव, यानी 360 प्लस थीटा और 90 अंश माइनस थीटा जितने भी मान आएंगे, जैसे आपका साइन 90 अंश माइनस थीटा है, टैन 90 अंश माइनस थीटा है, काट 90 अंश माइनस थीटा है,
उनके व्युत्क्रम जो भी होते हैं, कोसेक 90 अंश माइनस थीटा, सेक माइनस 90 अंश थीटा, टैन माइनस 90 अंश थीटा, वो जो भी आता है इसमें आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट में अगर आता है तो पॉजिटिव आएगा। ऐसे साइन 360 अंश प्लस थीटा है, कॉस 360 अंश प्लस थीटा, टैन 360 अंश प्लस थीटा है, तो वो फर्स्ट में आएगा तो पॉजिटिव रहेगा। क्या पॉजिटिव का मतलब है सर, थोड़ा समझाएंगे भैया? हाँ वो समझाएंगे। यस का मतलब क्या होगा आपका? यस का मतलब होता है साइन, और साइन का व्युत्क्रम जो होता है क्या, कोसेक। अगर आपका 90 प्लस थीटा हो रहा है, 180 अंश माइनस थीटा हो रहा है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यस का मतलब होता है साइन। यस का मतलब क्या है? यस का मतलब यहाँ क्या है? साइन। और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? वो कोसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक और जो साइक सेक होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और सब निगेटिव होते हैं, ठीक है? क्या है इसका मतलब, अभी हम लिख के दिखाते हैं। ऐसे टी का मतलब क्या है? टैन। टी का मतलब क्या है? टैन। और टैन का व्युत्क्रम क्या होता है आपका? टैन थीटा। टैन का व्युत्क्रम होता है क्या? कॉट थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये पॉजिटिव होते हैं। ऐसे सी का मतलब होता है क्या? कॉस। सी का होता है कॉस, कॉस थीटा। और कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक थीटा। ये फोर्थ में ही पॉजिटिव होता है। बात कुछ समझ में आ गई होगी? बात कुछ समझ में आई होगी? चलिए इसको मिटाते हैं, फिर सबको सीरियल से बताते हैं। उसको बताने से पहले एक बात याद रखना, क्या? 290 अंश प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा को समझ रहे हो ना? 90 अंश प्लस थीटा और 90 अंश माइनस थीटा की बात करते हैं। 90 अंश प्लस थीटा और 90 अंश माइनस थीटा। और एक चीज होता है 270 अंश प्लस थीटा और माइनस थीटा, मतलब 270 प्लस थीटा, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ से 270 होगा, प्लस थीटा करोगे फोर्थ वाले में चला जाएगा ये, और 270 माइनस थीटा। इस पे चेंजिंग होती है, क्या बोला मैंने? चेंजिंग होती है। क्या होती है? चेंजिंग। क्या होता है? चेंजिंग। चेंजिंग होती है। अब मन में आएगा सर क्या मतलब इसका, आओ समझते हैं। हम देखते हैं क्या एएसटीसी के रूल के बारे में, ठीक है? एएसटीसी के रूल में हमने आपको बताया है, क्या बोलते हैं कि एएसटीसी, ए का मतलब क्या बताया था? ऑल पॉजिटिव, ठीक है? यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आएगा, यानी 90 अंश माइनस थीटा, 360 अंश प्लस माइनस, 360 अंश प्लस थीटा, वो पॉजिटिव आएगा, ये बताया था। अच्छा, ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में यस का मतलब है साइन, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में 90 अंश प्लस थीटा और 180 अंश माइनस थीटा में आ रहा है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। अच्छा, ऐसे मैंने बताया था थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में, टी का मतलब है टैन, टैन का व्युत्क्रम क्या होता है? काट होता है, ठीक है? तो 180 अंश प्लस थीटा अगर आ रहा है, 270 अंश माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ये पॉजिटिव होता है। अच्छा, ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप आते हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 अंश माइनस थीटा और 270 अंश प्लस थीटा, तो उसमें सी का मतलब होता है कॉस, और कॉस का व्युत्क्रम होता है क्या? सेक, ठीक है? वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है? अब हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बातें करेंगे क्या कि 90 अंश प्लस माइनस थीटा, देखो 90 अंश माइनस थीटा, 90 अंश प्लस थीटा, इसी को मैंने लिखा 90 अंश प्लस माइनस थीटा, ठीक है? फिर 270 अंश प्लस माइनस थीटा मतलब क्या? 270 अंश प्लस थीटा और 270 अंश माइनस थीटा, ठीक? इसमें मैंने लिखा है नो चेंजिंग। इसका मतलब क्या है बाबू आपका, कि जैसे साइन है इसमें ना नो चेंजिंग नहीं, इसमें चेंजिंग होगी, चेंजिंग होगी, क्या होगी बाबू? नो चेंजिंग नहीं रहेगा, उसकी चेंजिंग होगी। मतलब क्या है? साइन का कास हो जाएगा, कास का साइन हो जाएगा, टैन का काट हो जाएगा, काट का टैन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा। क्या है सर इसका मतलब, थोड़ा समझाइए सर। आइए सर, पहले हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट से, ध्यान देना होता। पहले हम लेते हैं क्या 90 अंश प्लस थीटा, ध्यान देना क्या लिखा मैंने, जैसे लिखा साइन 90 अंश प्लस थीटा, तो अभी मैंने बताया साइन का क्या हो जाता है? कास हो जाता है। तो आप कहोगे सर कास थीटा हो जाएगा, हम कहेंगे हाँ, लेकिन यहाँ प्लस होगा, क्या होगा? प्लस में होगा, क्यों? क्योंकि आपका देखो 90 प्लस थीटा है, यानी यहाँ से यहाँ तक 90 होगा, उसमें कुछ जोड़ोगे सेकंड में जाएगा, सेकंड में साइन और साइन का व्युत्क्रम कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस रहेगा। ऐसे ही इसका व्युत्क्रम हमारा क्या कोसेक होता है, उसको भी देख लेते हैं। कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, देखो ये भी प्लस आ गया है।
क्योंकि ये 90 और प्लस थीटा है यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, यस इसीलिए लिखा गया था। साइन और साइन का जो व्युत्क्रम होता है कोसेक वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही हम बात करते हैं टैन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब देखो टैन 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा थी, इसमें कौन पॉजिटिव होता है? साइन है उसका व्युत्क्रम, जो देखे हो आप यहाँ पे, यहाँ पे सब प्लस आया था। अब इसके अलावा जो भी होगा जैसे टैन है उसके अलावा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका टैन का मतलब बदलेगा, चेंजिंग होगी यानी काट थीटा हो जाएगा, लेकिन माइनस में यहाँ लिखा जाएगा। ऐसे ही हम कहें काट 90 प्लस थीटा, ठीक। तो काट का टैन होगा, टैन थीटा होगा, लेकिन प्लस की माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि बाबू ये थर्ड में पॉजिटिव होता है। अगर 180 प्लस थीटा होता और 270 माइनस थीटा होता, हमने टैन में काट होता, थर्ड में पॉजिटिव होता ना, इसलिए ऐसा यहाँ हुआ। बस समझ में। अच्छा अब हम बात करते हैं क्या बाबू, अब बात करते हैं, ये बातें समझ में आ रही है ना? चलिए तो ये बातें हमको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा, तो चेंजिंग होगी कॉस का क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। कॉस का किस में चेंज होता है? साइन होता है, साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन ये कॉस है यहाँ पे लिखा था, कॉस किस में पॉजिटिव होता है? इसमें, यानी 360 है माइनस थीटा और 270 प्लस प्लस थीटा में होता, चौथे क्वाड्रेंट में होता पॉजिटिव, ठीक है। इसलिए आपका कॉस 90 प्लस थीटा अगर लिखा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। देखो इस वाले में, इसमें कौन पॉजिटिव होता है? साइन है उसका व्युत्क्रम, इसलिए यहाँ कॉस, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा साइन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ सेक 90 प्लस थीटा की, तो आपको क्या आ जाएगा? वो देखो सेक है, ये भी आपका इसमें पॉजिटिव होता है फोर्थ वाले में, इसलिए आपका सेक का कोसेक होगा, कोसेक थीटा होगा, लेकिन माइनस में लिखा जाएगा। बात समझ में आई? आप देख क्या रहे हो, साइन का कास हुआ है, कोसेक का सेक हुआ है, ये पॉजिटिव हुआ है जब 90 प्लस थीटा हुआ है, लेकिन अदर में सब आपके माइनस में आ गए हैं, आएंगे देखो ये। बात समझ में आ रही है? अच्छा यही हम एक बात आपसे कर लेंगे आप, देखो ये बात है किस क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की बात मैं अभी किया हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूँ, किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात किया। अगर मैं क्या करूँ बाबू, 90 में से कुछ हटा दूँ, ध्यान दीजिएगा चिन्ह खाली बदलना है, आप समझ जाओगे सर। अगर हम क्या करूँ, माइनस कर दूँ सब, यानी 90 माइनस थीटा, तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी सब प्लस हो जाएंगे, सबका माइनस हटा देते हैं। तभी किसकी बात करने लगेंगे हम, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की, ये इसमें भी, यानी सब इसमें चलेंगे, 90 माइनस थीटा करोगे सब इसमें हो जाएगा, तब देखो आर पॉजिटिव हो गया, देखो सबके पहले प्लस हो गया लेकिन वही बात है चेंजिंग हुई है। देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, कोसेक 90 माइनस थीटा का सेक थीटा हो गया, टैन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा का टैन थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस साइन थीटा हो गया, सेक 90 माइनस थीटा का कोसेक थीटा हो गया। तो हमने दोनों की बातें कर लिया, सेकेंड की भी और फर्स्ट की, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? 90 प्लस माइनस थीटा की अभी मैंने बात की है, ठीक। चले आगे, अब हम बात करने जा रहे हैं किस चीज़ की, 270 अंश प्लस माइनस थीटा, ठीक। चलो हम इस पे इसको हटाते हैं, अब बात करते हैं किस में, पहले हम करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बाबू आपका, यहाँ से यहाँ तक आएगा 270, 270 में से घटेगा, 270 माइनस थीटा की बात करेंगे। यहाँ अगर मैं 270 माइनस थीटा रखता हूँ, 270 माइनस थीटा, ठीक, इन सबको इन दोनों को मैं मिटा देता हूँ, अलग से लिखूँगा, और उधर जो भी चिन्ह होगा परिवर्तन उसमें मैं दिखाता रहूँगा, ठीक। देखो ध्यान से, पहली बात क्या है, 270 सब में लिख जाता हूँ, 270 माइनस थीटा, यहाँ भी 270 माइनस थीटा, यहाँ भी 270 माइनस थीटा, यहाँ भी आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ना बताने में, जल्दी हो जाएगा। चलो हो गया। अब देखो आज इसमें टैन और टैन का व्युत्क्रम कॉट पॉजिटिव होता है, पहले उसको कर लेते हैं। टैन कहाँ, यहाँ है, ये 270 माइनस थीटा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, चेंजिंग वैसे ही होगी, देखो लिखा ना चेंजिंग होगी,
तो टैन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कार थीटा हो जाएगा, कार 270 माइनस थीटा और क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सब सब में चेंजिंग है, देखो चेंजिंग सब में हो रही है लेकिन चिन्ह बदलेगा अकॉर्डिंग टू एस टी सी रूल। ठीक, तो अब सबसे पहले क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बात समझ में आई। ये तो 270 माइनस थीटा की बात रही, और अगर 270 प्लस थीटा की बात करूँ, ध्यान देना बात को, प्लस थीटा की बात करने जा रहा हूँ, मानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा वो, तब ध्यान देना, वो नहीं आएगा नहीं। अब देखो अब यहाँ पर क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना, सब में प्लस प्लस होना है, ये देखो प्लस, ये भी प्लस कर लिया, यहाँ प्लस कर लिया, यहाँ प्लस कर लिया, यहाँ प्लस कर लिया, यहाँ प्लस कर लिया। अब इसके चिन्ह पे ध्यान दो, किसको पकड़ो, देखो 270 प्लस थीटा किसमें है, चौथे में है ना, तो आप देखो सी लिखा है इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, सी का मतलब कॉस थीटा और उसका व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कॉस थीटा को लिखा है यहाँ पे, देखो ये जो घेर रहा हूँ है ना, ये स्टार बना लिया। अब देखो ये कॉस 270 प्लस थीटा साइन थीटा होगा, क्योंकि इसके पहले प्लस साइन रहेगा, क्योंकि ये फोर्थ में है, सेक 270 प्लस थीटा क्या होगा, प्लस साइन यहाँ पे रहेगा क्योंकि ये फोर्थ में है, देखो यहाँ लिखा भी है 270 प्लस थीटा, लेकिन और सबके पहले क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, समझ में बाबू आ रहा है, समझ मेरी बात आ रही है, तो ये बात आप समझे कि 290 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा की चेंजिंग वाली का मतलब क्या होता है, और जो आप एएसटीसी के रूल से जो साइन में चेंज होता है वो बात कैसे होती है, समझ में आया, बताइएगा, चेंजिंग का मतलब क्या, मैंने बताया था साइन का कास, कोसेक का सेक, टैन का काट, काट का टैन, कास का साइन, सेक का कोसेक, और एएसटीसी रूल साइन का मतलब जैसे हमने यहाँ पे दिखाया 270 प्लस थीटा है तो चौथे वाले में जाता है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है एएसटीसी के रूल से, तो इसका मतलब क्या है, कास और उसका व्युत्क्रम पॉजिटिव है और देखो सब निगेटिव है, बात समझ में आई, चलिए बहुत अच्छी बात अगर आई होगी तो। अब सबको ये मिलाते हैं, अब यहाँ पे अगला रूप बताते हैं इसी एएसटीसी के रूप से, आप यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं क्या, 180 प्लस थीटा बचा हुआ है, 180 माइनस थीटा बचा हुआ है, 360 प्लस थीटा के बारे में हमने बात नहीं किया अभी, 360 माइनस थीटा के बारे में, आइए इसमें बातें करते हैं। अगर मैं बात करूं 180 प्लस माइनस थीटा, इसका क्या मतलब है, 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात, फिर 360 प्लस माइनस थीटा की बात, 360 प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात। ठीक, इसमें बहुत चेंजिंग नहीं होती है, नो चेंजिंग, नो चेंजिंग क्या है सर इसका मतलब, नो चेंजिंग का मतलब क्या है सर, मतलब इसका क्या है, अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही लिखा जाएगा, टैन थीटा है तो टैन थीटा ही लिखा जाएगा, ठीक, सेक थीटा है तो सेक थीटा ही लिखा जाएगा, और कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा ही लिखा जाएगा, लेकिन 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 क्या, लेकिन चिन्ह का ध्यान दिया जाएगा, वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसके अनुसार चिन्ह बदलेगा, मतलब सर मतलब अगर सेकंड में आ रहा है, साइन है ये है, साइन है और कोसेक है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन अगर थर्ड में आ जा रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे, सब कौन पॉजिटिव होगा आपका, टैन और काट पॉजिटिव हो जाएगा, काट नहीं लिखा है, हम काट लिख देते हैं, काट थीटा को क्या करेंगे, काट थीटा ही रहेगा, ये नो चेंजिंग वाला समझ में आया, पहले नो चेंजिंग वाला समझो तो समझाई दो, हाँ सर समझ में आया, चलो ये नो चेंजिंग का मतलब है। अब आइए समझते हैं एक एक बात को अलग अलग, देखो अगर मैं बात करूँ बाबू साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन 180 माइनस थीटा पे, ठीक, तो आपको मैंने कहा नो चेंजिंग साइन है, देखो अब साइन ही लिखा जाएगा थीटा, और 180 माइनस थीटा है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड में ही है, देखो तो साइन इसमें पॉजिटिव होता है, मैंने बताया था आपका, इसलिए साइन थीटा ही होगा। ऐसे ही मैं बात करूँ कोसेक 180 माइनस थीटा की,
तो साइन का व्युत क्रम भी तो कोसेक है, तो इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, और 180 माइनस थीटा ये भी कोसेक हो जाएगा, चेंजिंग देखो नहीं हो रही है, और इनके पहले प्लस इसके पहले प्लस। लेकिन इसके अलावा जितने भी अब जाएगा, चाहे इसमें आए चाहे इसमें आए, यानी एक तरह समझो सेकेंड और फोर्थ में निगेटिव हो जाएगा, ऐसे मेरी बात समझ में रही है। चलो आप पहले समझ लो, पहले बात यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ टेन 180 अंश माइनस थीटा और काट 180 अंश माइनस थीटा की, आप कहोगे सर टेन का टेन लिखा जाएगा, आपने बताया नो चेंजिंग, हाँ यहाँ भी आपका सर हो जाएगा काट थीटा, लेकिन सर एएसटीसी के रूल से ये सर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और ये थर्ड में पॉजिटिव होता है, इसलिए सर यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। असल में चल ऐसे हम बात करते हैं कॉस 180 अंश माइनस थीटा की और सेक 180 अंश माइनस थीटा। सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, लेकिन ये जो है 180 माइनस थीटा की बात कर रहा, मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा, इसका मतलब सर ये भी निगेटिव होगा क्या, चेंजिंग तो सर नहीं होगा, हाँ सर चेंजिंग नहीं होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ सेक थीटा हो जाएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा सर। तो आप देख रहे हो ना यहाँ भी वो बात फल हो गई, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव हुए यहाँ पर और सब निगेटिव हुए, समझ में आ गया। अब एक छोटा थोड़ा सा चेंज करते, ये हम बात किसी कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में है, देखो सारी चीज़ें 180 माइनस थीटा, अब क्या करते हैं कुछ नहीं करना, खाली प्लस कर देते हैं, देखो क्या हो जाएगा, वो सब प्लस हो गया, यानी 180 प्लस थीटा किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। चेंजिंग होगी सर नहीं होगी, लेकिन चिन्ह पे ध्यान देना, थर्ड में सर एक चला गया तो इसका मतलब साइन और कोसेक तो निगेटिव हो गए, हाँ हो गए सर, टेन वाला ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, कुछ नई चीज लगा गया, काट का सर वो भी हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम है सर इसमें निगेटिव रहेगा क्योंकि फोर्थ में है पॉजिटिव होता, बोलो ये तब 180 और प्लस माइनस थीटा समझ में आया, दोनों की बात मैंने किया ना, चेंजिंग नहीं होती ये बात समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है। चलो अब एक बात और समझते हैं, अब 360 की बात करते हैं, पहले लिख लेते हैं तब आपको सारी बातें बताएं, क्योंकि चेंजिंग होगी नहीं, इस बात को आप जानते हो बढ़िया से, आइए चिन्ह को भी नहीं लिखते हैं, ठीक है चलो सारी चीज मिटा दिया, अब लिख लेते हैं एक बात तब समझाते हैं आपको। अगर मैं बात करूँगा 360 अंश माइनस थीटा, यहाँ भी 360 अंश लिखा माइनस थीटा, यहाँ भी लिखा क्या टेन 360 अंश माइनस थीटा, यहाँ पे लिखा क्या 360 अंश माइनस थीटा, यहाँ पे कास में है 360 अंश माइनस थीटा, यहाँ में भी 360 अंश माइनस थीटा। तो पहले बताओ 360 अंश माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सर फोर्थ में आएगा, क्योंकि सर यहाँ से ऐसे ऐसे आएंगे तो यहाँ से 360 कुछ हटाओगे सर फोर्थ में आ जाएगा, देखो लिखा भी फोर्थ में 360 में, सर यहाँ सी लिखा है, हाँ सी के मतलब का कास और उसका व्युत्क्रम, उसका व्युत्क्रम सेक, यही दोनों पॉजिटिव होंगे, ये दोनों पॉजिटिव इसको ढूंढो सर यहाँ पे है, इसके पहले प्लस रहेगा, चेंजिंग नहीं होगी सर नहीं, देखो लिखा है 180 पर 360 चेंजिंग, यहाँ पे तो प्लस रहेगा सर, अदर सब निगेटिव हो जाएंगे, हाँ यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, टेन के पहले भी काट के पहले भी, बस देखो कास का ये पॉजिटिव आया है, इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे। बात में समझ में है कि नहीं, पहले बताओ, बहुत सिंपल वे से तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं आता एक बार दो बार देखोगे समझ में, ठीक चल। अब इसके बाद बाबू हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं किस चीज़ का, अगर हम सबको प्लस कर देते हैं 360 प्लस थीटा, तो वो सबको प्लस कर रहा हूँ, तो 360 प्लस थीटा किस में, फर्स्ट में, तो आल ए लिखा है, एक मतलब आल पॉजिटिव, अब सबके पहले प्लस हो जाएगा, यानी सब चीज़ मिटा दो सब देखो हो जाएगा प्लस, चेंजिंग सर नहीं हुई, नहीं हुई देखो सबके पहले प्लस हो गया, तो यही आपका एएसटीसी का रूल होता है, बात समझ में आ रही है आपको, तो इस तरह से क्या बोलते हैं एएसटीसी के रूल को हम याद रखते हैं, और अगर हमें ये सब चीज़ें याद रहती हैं तो हमें क्या बोलते हैं समाकलन में अवकलन में ट्रिग्नोमेट्री में सब में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और जब ये चीज़ें हमें समझ में आती हैं तो हमारा क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस ओवर रहता है और सवाल लगते चले जाते हैं, ठीक। तो अगर आपको सारी बातें समझ में आई हो तो हमें कमेंट करिएगा,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके और भी जो फ्रेंड हैं उन्हें आप इन्हें शेयर कर दीजिए, अपने भाइयों को शेयर कर दीजिए। हो सकता है ये बातें वो ना जानते हों जिससे वो बहुत परेशान होते हों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू।